नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से होंगे। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में पहले क्या बताया था, च छ ज झ, इतना हमने लिखना सीख लिया है। तो चलिए आज आप लोग पहले एक बार इसका फिर से अभ्यास कर लीजिए, च का। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, च, फिर छ, फिर ये हो गया हमारा ज, ये झ, और अब हम इसके बाद लिखने वाले हैं य। तो य आप लोग, ये य है, ये देखिए ये हो गया हमारा य। ये आपके अक्षर अभ्यास माई फर्स्ट एक्टिविटी में पेज नंबर 66 है। ठीक है, उसमें आप लोग देखिए किस तरह से य लिखा गया है, उस तरह से लिख के पहले उसमें पेंसिल से लिखा हुआ है, उस पर पहले आप अपने हाथ को, एक सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो हमारा पेंसिल से पहले, ये देखिए इसमें पहले स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, फिर पेंसिल से ये लिखा गया है। इस पे आप लोग पहले अभ्यास करेंगे, लिखना सीखेंगे इस पे भी, उसके बाद आप लोग इसमें अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि यह हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, यह लिखने के लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको आधा गोल, पूरा गोल, सीधी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, ये सब सारा बता दिया है। तो देखिए यौ लिखने के लिए हमें ऐसे एक आधा गोल ऐसे लेना है, इधर से थोड़ा सा बड़ा, और फिर बीच से हमने एक आड़ी रेखा निकाल के ऐसे, और फिर ऐसे जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा य। कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये देखिए, देखिए जैसे हमने च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, ऐसा भी हमने सीखा है बोलना, पढ़ना, समझना। वैसे य से कुछ होता नहीं है, लेकिन इसको हम जब आगे बढ़ेंगे, अक्षरों को जोड़कर लिखना सीखेंगे, तब हमें इसका महत्व पता चलेगा कि य से क्या होता है और य हम कहां लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यों ऐसे करके लिखिएगा अपने नोटबुक में और सुंदर से लिखना सीखिएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग अच्छे से इसका अभ्यास कीजिएगा, लिखिएगा और अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छे से उतारिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।